वेलकम टू इन्फेंट पब्लिक स्कूल। टुडेज टॉपिक इज फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ओके, कोहेशन एंड एडहेशन, व्हाट इज दिस? फोर्स ऑफ डेवलप बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब जो सेम मटेरियल्स के बीच में लगता है उसको हम कोहेसिव कहते हैं। फोर्स डेवलप्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। इसका मतलब क्या है? अगर सेम मटेरियल है, मानिए आप एक ये क्लॉथ है और एक ये क्लॉथ है, दोनों कपड़े हैं और इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा? फोर्स ऑफ कोहेसिव होगा। बट ये कोई सरफेस है और ये आपका क्लॉथ है, तो इनके बीच में अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो उसको कहेंगे एडहेसिव। इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है? इस फिगर से पहले समझते हैं। देखिए, दो सेम ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में कोहेशन फोर्स होगा। ओके, कोहेसिव फोर्स होगा। जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, ब्लू एंड ग्रीन, तो आप देखिए इनके बीच में एडहेशन होगा। ओके, अब देखिए, एक ये ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एडहेशन होगा। ये ब्लू कलर और रेड कलर के बीच में जो लगेगा वो एडहेशन ही होगा, लेकिन जो ब्लू और ब्लू के बीच में फोर्स लगेगा, यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, उसको कोहेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब इस फिगर से समझने की इसी चीज को कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक सब्सटेंस है, ग्रीन, येलो, देन येलो एंड ग्रीन। अब ग्रीन और येलो के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, ये आपको देखना है। ये होगा एडहेशन। क्यों? क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, बट येलो एंड येलो के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? कोहेसिव लगेगा। ओके, यहां पे कौन सा वर्क फोर्स करेगा? कोहेसिव फोर्स वर्क करेगा। देखिए, कोहेसिव किसके किसके बीच में करता है? सेम मटेरियल्स के बीच में। ओके, जो सेम के बीच में काम करेगा उसको कोहेसिव कहते हैं। जो जो अपोजिट मटेरियल्स या अनदर सब्सटेंस के साथ दूसरा कोई सब्सटेंस मिलता है तो उसको हम एडहेसिव कहते हैं। चलिए इस फिगर के साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये H2O है, यानी कि ये एक वाटर ड्रॉपलेट है। ओके, आप ये समझ लीजिए, ये आप कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है या पोलर ऑब्जेक्ट है, आप इसको ग्लास भी समझ सकते हैं, कुछ और भी समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए, जब इस वाटर ड्रॉपलेट का इस वाटर के ड्रॉपलेट के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, इनके बीच में कोहेशन है। बट जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जैसे कि ग्लास, ओके, तो इसके बीच में और जब इस वाटर ड्रॉपलेट के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे? उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। यानी कि इनके बीच में एडहेशन हो रहा है और जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम इनके बीच में कोहेशन लगेगा। ओके, चलिए इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। आप सरफेस एरिया लीजिए, जैसे आप अपने खेत पे पानी डालते हैं, ये समझिए आपका फील्ड है, यानी कि खेत है। ओके, इस पे आप पानी डाल रहे हैं। अब आप देखिए कि इसके और इसके जो बीच में फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? चूंकि ये सरफेस है, यानी कि फील्ड का सरफेस है, और ये पानी H2O। ओके, जब इन दोनों के बीच में जो यहां फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स होगा, और जो वाटर वाटर ड्रॉपलेट के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स होगा? वो होगा कोहेसिव फोर्स। ओके, तो जो सेम ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, जो अनदर ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इनके कुछ डिफरेंस है, इसको आप पढ़ लीजिए। कोहेसिव इज द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ओके, और एडहेसिव कहाँ लगता है? जब बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इनके जो कोहेसिव होता है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, और जो एडहेसिव होता है उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इधर फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द सर्फेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू कोहेशन। द स्प्रेडिंग ऑफ ए लिक्विड ऑन अ सॉलिड सर्फेस इज ड्यू टू एडहेशन। ओके, सॉलिड सर्फेस पर जो लिक्विड चलता है उस किस फोर्स की वजह से चलता है? एडहेशन की वजह से चलता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।